हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, यानी कि उसके ड्यूटीज के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेफ्टी इंजीनियर हो या फिर एचएससी इंजीनियर हो, इनकी कॉमन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेफ्टी मैनेजर वहां पर ना हो और हाईएस्ट जो अथॉरिटी है वहां पर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर, तो सेफ्टी इंजीनियर को ही वहां पर एज अ सेफ्टी मैनेजर का रोल प्ले करना होता है, उसका भी काम उसी को करना होता है। या फिर किसी साइट पर या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर अगर सेफ्टी ऑफिसर अगर कम है तो वहां पर भी उसको सेफ्टी ऑफिसर का भी रोल प्ले करना होता है। यानी कि आपको यहां पर समझना है कि सेफ्टी इंजीनियर जो है वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड का एक पर्सन होता है, उसकी एक अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन उसके अलावा उसको सेफ्टी मैनेजर के या फिर सेफ्टी ऑफिसर के भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर ड्यूटीज जो है वो भी निभाने होते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सेफ्टी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, ये सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है। इसके साथ साथ कंपनी के जो भी सेफ्टी लॉसेस है उसको भी मिनिमाइज करना, कम करना, ये भी सेफ्टी इंजीनियर का काम होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी इंजीनियर ने वहां पर ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि जो भी हजार्डस कंडीशंस है उसकी वजह से जो भी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो उसको वो वहां पर प्रिवेंट कर सके। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि वर्क प्लेस में जो भी इलनेसेस अगर होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी बिहेवियर्स है या फिर उसके जो व्यवहार्स है उसको ड्राइव करना है, और वो भी मैनेजमेंट के कमिटमेंट को वहां पर एंगेज करके। फिर उसके बाद है कि जिस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर उसको काम करना है तो उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के बाद उसको वहां पर क्या उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसके क्या स्टैंडर्ड्स वहां पर फॉलो करने हैं, तो ये भी उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद है कि हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जो भी प्रोग्राम्स है तो उसके लिए जो भी ऑटोमेशंस और कंट्रोल सॉल्यूशंस है तो उसको भी डिप्लॉय करने की जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर की होती है। फिर उसके बाद है कि साइट पर जो भी अगर इंसिडेंट अगर होता है तो उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना, उसमें डिटरमाइन करना कि वहां पर रूट कॉज क्या है, और उसके लिए जो है करेक्टिव एक्शन जो है वो डेवलप करना, ये भी सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि एचएससी इंस्पेक्शंस को सपोर्ट करना, ऑडिट्स करना, सेल्फ असेसमेंट करना, ये भी उसकी जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि रिपोर्ट्स को मैनेज करना और उसकी एक समरी जो है वो बनाकर मैनेजमेंट के सामने में प्रेजेंट करना, साथ ही में उस रिपोर्ट में उस समरी में जो है सजेस्टेड किए गए सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, तो ये भी जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर की होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट जो भी प्रोसेसेस है जैसे कि केमिकल्स हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया या फिर पोल्यूशंस प्रिवेंशंस हो गया, तो इसको भी एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर की होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि इंडस्ट्रियल हाइजीन हो गया, इक्विपमेंट का प्रोटेक्शन हो गया, मशीन का गार्डिंग हो गया, या फिर अदर जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोग्राम्स है उसको हैंडल करने की भी जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर की होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है कि सेफ्टी असेसमेंट को हैंडल करना और जो भी हजार रिस्क प्रोफाइल है उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए तो उसको भी डिप्लॉय करना, ये भी सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के एक्सेलेंस को अचीव करना, ये भी सेफ्टी इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। और जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेफ्टी ऑफिसर कम है और वहां पर भी जो है उसको एज अ सेफ्टी ऑफिसर का भी रोल प्ले करना हो सकता है, उसकी भी जिम्मेदारी उसको निभानी हो सकती है। तो सेफ्टी ऑफिसर की 40 जो है ड्यूटीज क्या है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बनाया है। अगर ये भी सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर ऐड करूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस वीडियो की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर सेफ्टी इंजीनियर किसी साइट पर या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और वहां पर सेफ्टी मैनेजर नहीं है तो उस केस में उसको सेफ्टी मैनेजर का जो है वो रोल प्ले करना होता है। तो सेफ्टी मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा सेफ्टी इंजीनियर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, यानी कि उसके ड्यूटीज के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।